देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। हिंदी है हम भाषा, जब सहज बहती है, संस्कृति प्रकृति संग चलती है, सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्वनी है, अनूठी है, हिंदी है अपनी, हिंदी अपनी भाषा, सपनों की भाषा, कहने को और भी कह सकते हैं, हिंदी को चांद पर भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हकीकत में हिंदी का हाल ठीक नहीं है। दावों बातों से लेकर कहने को तो हिंदी देशवासियों के रग रग में है, मगर सच तो यह है कि हिंदी की क्रांति मन के किसी कोने में सिसकियां भर रही है। तभी तो आजादी के 2 साल बाद हिंदुस्तान की राजभाषा बनी हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। हालांकि जब भी हिंदी दिवस आता है तो हिंदी की बात हिंदी में फिर शुरू हो जाती है, कार्यक्रम आयोजित होते हैं, बड़े बड़े किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन सब कुछ एक दिन में सिमट कर रह जाता है। ऐसे में अगर ये कहे कि क्या हिंदी एक दिन की है तो आप क्या समझेंगे? तो चलिए आज हम इसी पर मंथन करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, जो हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है, भारत माँ की शान है, उसे अपने जीवन में उतारने के साथ पूरे विश्व में बोलने के लिए इतना शांत क्यों है? आखिर अपनी ही भाषा हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए हिंदुस्तान बेचैन क्यों है? हिंदी दिवस के मौके पर जनता मांगे जवाब में आज हम इस बड़े सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के मुद्दे एक दिन की हिंदी में, तो हिंदी को दुनिया के प्रत्येक कोने में पहुंचाने में विश्व हिंदी सम्मेलन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। वास्तव में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से साल 1973 में विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव महाराष्ट्र में वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने रखा था। इस प्रस्ताव की गंभीरता को समझते हुए हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए इसे सहज संस्कृति मिलना स्वाभाविक था। इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हुए पहले विश्व हिंदू सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। वासुदेव कुटुंबकम के बोध वाक्य वाले प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रमुख रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। हालांकि इसके लिए तब से चला आ रहा संघर्ष आज भी जारी है। वहीं अब जब फिर हिंदी दिवस है तो हिंदी को लेकर कईयों के मन में फिर क्रांति की लहर उठ रही है, लेकिन यह लहर शायद कल समाप्त भी हो जाएगी और हिंदी फिर संघर्ष करती नजर आएगी। चलिए हिंदी दिवस पर हिंदी में विस्तार से बात करें, उसके पहले देख लेते रिपोर्ट। हिंदी दिवस है तो फिर हिंदी की बात हिंदी में हो रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या हिंदी सिर्फ एक दिन की ही है? अगर नहीं तो सब दिन हिंदी क्यों नहीं? पूरे हिंदुस्तान में हिंदी बोलचाल की भाषा के साथ कामकाज की भाषा क्यों नहीं? आखिर हिंदुस्तान में हिंदी भाषा क्यों इतना संघर्ष कर रही है? हिंदी के हिंदी में किससे तो सब सुन रहे हैं, हिंदी है हम नारे भी खूब लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुद ही हम हिंदी को अपना नहीं रहे। 14 सितंबर 2049 को हिंदी हमारी राजभाषा बन गई, लेकिन संविधान निर्माताओं का हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो सपना था वो आज तक साकार नहीं हो सका। आज हिंदी भले ही विश्व में मैंड्रिन के बाद दूसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा हो, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी इसे हम पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर सके हैं। हिंदी को लेकर दुनिया भर में सम्मेलन हुए, लेकिन अंग्रेजी के आगे हिंदी आज भी बेबसी दिखती है। साल 2015 में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये तीसरा मौका था जब विश्व हिंदी दिवस पर भारत के किसी शहर में विश्व स्तरीय हिंदी सम्मेलन हुआ। तब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और माना जा रहा था कि करीब 30 करोड़ रुपए केंद्र और प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा आयोजन में खर्च करने के बाद हिंदुस्तान में हिंदी अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ ही जल्द ही कामकाज की भाषा भी बनेगी। लेकिन अफसोस, हिंदी को बढ़ावा देने की बात करने वाले माननीय आज तक हिंदी को कामकाज की भाषा नहीं बना पाए। तकनीकी शिक्षा के साथ ही ज्यादातर बड़े संस्थानों में अंग्रेजी का ही बोलबाला है,
और यही वजह है कि हिंदी लगातार संघर्ष कर रही है। ऐसे में अगर ये कहें कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषी है हम, जैसे नारों के बीच हिंदी दिवस मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है, तो कथन शायद गलत नहीं होगा। खैर, जो अब तक नहीं हुआ वो आगे कब और कैसे होगा? एक दिन की हिंदी से बाहर निकलकर हिंदुस्तान सदा के लिए हिंदीमय कब होगा, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो राष्ट्र गौरव हिंदी हर दिन विकास के नए कीर्तिमान कर रही है और एक नदी की तरह आगे बढ़ रही है, नए सोपान रच रही है। हिंदी का महत्व युग युगांतर तक कम नहीं होने वाला है। कहावत है कि उर्दू प्यार की भाषा है, अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, लेकिन हिंदी व्यवहार की भाषा है। ऐसे में कड़वा सच यही है कि व्यवहार की भाषा हिंदी को वो स्थान नहीं मिला जो व्यापार की भाषा को मिला। तो चलिए अब हिंदी दिवस पर खास पेशकश एक दिन की हिंदी पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी जुड़ेंगे बीजेपी नेता विकास बोंदिया जी और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा, जल्दी जुड़ेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर राम बल्लव आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाषा शास्त्री हैं, व्यास नारायण दुबे रायपुर से हैं, आपका बहुत स्वागत है। और शिक्षाविद सैयद फाजिल जी हैं, वो भी रायपुर से, आपकी बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल साहब, सबसे पहले फाजिल साहब आपसे बात करें, हम रामनारायण जी से बात करें, आपसे रामनारायण जी की आखिर हिंदी को महत्व क्यों नहीं मिल पाया? जी लगता है कुछ संपर्क नहीं हो पाया। फाजिल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? जी। फाजिल साहब, आखिर हिंदी को वो महत्व आज तक क्यों नहीं मिल पाया? अच्छा, देखिए, व्हाट आई फील कि जो हमारे भारत के बाकी जो प्रांत है, जैसे साउथ इंडिया है, तो ये लोग इसको पॉलिटिसाइज करने लगे। नाम नहीं आ रहा नीचे। वैसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, मैं खुद कर्नाटक का हूं, एवरीबॉडी एक्सेप्ट इट फुल्ली, बट कोई मैटर को अगर आप एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं तो फिर फ्रिक्शन होता है। और थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी था कि लोकल लैंग्वेज में लोग वहां पर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो वो जो बातें हैं, जो हमारा इंटर क्रॉस कल्चर एक्टिविटी और बढ़नी थी और डेवलप होनी थी, हमारे साहित्य ज्यादा आदान प्रदान नहीं हुए। हमारे साहित्य अगर आदान प्रदान ज्यादा होते, हमारे कल्चर अगर ज्यादा आदान प्रदान होते फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से आपस में, तो हमारे मूवमेंट और ज्यादा होते तो शायद इसकी एक्सेप्टेंस और बड़ी होती। लेकिन जब किसी चीज को आप क्रिटिसाइज करेंगे और पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर लेकर आते हैं, तब वहां पर मतभेद होता है, तब वहां पर दिक्कतें आती हैं। जी, प्रोफेसर भाषा शास्त्री जी हैं। व्यास जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही। आप भाषा शास्त्री हैं, आपको अच्छा खासा ज्ञान है, क्या आपको लगता है हिंदी दिवस मनाना चाहिए? हालांकि होना चाहिए, लेकिन एक दिन का हिंदी दिवस मना करके हम धन्य हो जाते हैं कि हमारे हिंदी राजभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा कभी नहीं हो पाई, और हिंदी दिवस मनाते रहे, उसका कोई, हिंदी दिवस मनाने के बाद साल भर उसका कोई अनुपालन होता है, नहीं होता है, आखिर क्यों नहीं होता है? ये है, हम आजाद, हमको आजादी मिले 73 वर्ष हो गए और राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, किंतु आज तक भारत में आजादी के बाद जो हमारी पहचान है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज तो हमारे पास है किंतु राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को अब तक नहीं मिल पाया। उसका कारण हमारी तुष्टीकरण की राजनीति है। यदि तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर थोड़े से हिंदी के लिए विचार करें, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो असंतोष का वातावरण बनता है, जिसके कारण हम ठंडे पड़ जाते हैं, राष्ट्र गौरव जो चाहिए, राष्ट्रभाषा का सम्मान जो मिलना चाहिए, वो हम देने में असमर्थ हैं। दूसरे कारण ये है कि आज तेजी से अंग्रेज तो चले गए, किंतु अंग्रेजियत की जो वातावरण अभी भी है और शिक्षा में जो प्रभाव अंग्रेजी का है,
वो हिंदी का नहीं बन पाया है। यदि हिंदी में ये शिक्षा का प्रभाव प्रभावशाली रूप से सामने रखे तो हिंदी को वो गौरव दिलाने में हम समर्थ हो सकते हैं। नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सम्मेलन में आते हैं, यहीं पे मोदी जी आए थे 2015 में आज के ही दिन, और उन्होंने कहा सारे कामकाज हिंदी में होंगे। आप छत्तीसगढ़ में हैं, कोई कामकाज हिंदी में होता है, हो रहा है क्या सरकारी कामकाज? हिंदी में नहीं हो रहा है। देखिए, हम तो छत्तीसगढ़ी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी को विश्वविद्यालय में शुरू किए 5 वर्ष हो गए, मगर भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री वो भी प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ी में काम हो, मगर हमारे राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी जो है वो नहीं चाहते कि इस प्रकार की वातावरण बने। यही स्थिति हिंदी के साथ भी है। हम चाहते हैं हिंदी को राजकाज की भाषा बनाए, पत्र व्यवहार की भाषा बनाए, न्यायालय की भाषा बनाए, कामकाज में उसका प्रयोग हो, किंतु हमारे जो राजनीतिक के साथ साथ हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो नहीं चाहते कि इसमें इनका जो प्रभाव बढ़े और उनका सम्मान घटे। इसी कारण से हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। यदि आज वीटो जारी कर दे नरेंद्र मोदी जो आपके विश्व हिंदी सम्मेलन में आए थे, आज घोषणा कर दे कि आज से काम काज हिंदी में होगा, तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये कहा था उन्होंने व्यास जी, ये बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं बोली है, जहां तक मैं समझता हूँ ये बोली है, भाषा तो हमारी हिंदी है। और जब नहीं भाषा है, कौन कहता है बोली है? नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ी भी भाषा है, विरोध नहीं है जी। संस्कृत भी भाषा है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी हो बन जाती है व्यास जी। छत्तीसगढ़ी हो, बुंदेलखंडी हो, मालवी हो, ये मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, ये बोली है। और बोली को महत्व भले न मिले, लेकिन नहीं है भाषा है। और इसके सुनिए ना, इसके जी 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 इसके लिए आप मेरी पुस्तक है छत्तीसगढ़ी जनभाषा, वो पढ़िए। देखिए, जब प्रारंभिक स्थिति जब होती है, उस स्थिति में कोई भी चीज उतनी परिपक्व नहीं होती, किंतु यदि लड़की विवाह हो के जाती है, बहू बनती है, धीरे धीरे वो सास बन जाती है, आप उसको बहू का दर्जा भले ही देते, वो उसमें जो कुशल नेतृत्व का भाव आता है वह छत्तीसगढ़ी की भी है। छत्तीसगढ़ी की 9 बोलियां जी छत्तीसगढ़ी भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। छत्तीसगढ़ी को यहाँ के संविधान के हिसाब से राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, तो कब तक हम उसको बोली कहते रहेंगे? देखिए, अन्यथा मत लीजिए। मैं अन्यथा बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भाव से देखते हैं और व्यास जी, मैं अन्यथा बिल्कुल नहीं रह रहा हूँ, न ही मेरा कोई ऐसा मतलब है कि छत्तीसगढ़ी को मैं इग्नोर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो मैंने पढ़ा था, आप बेहतर, आप ज्यादा ज्ञानी हैं, हम तो थोड़ा नहीं, तो आगे का और पढ़िए। वो तो आप पहले का पढ़े हैं ना, आगे का और पढ़िए। जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, जो शोध कार्य हुए हैं, जो प्रतिष्ठापनाएं हुई है, उसके हिसाब से आगे का ज्ञान और हासिल कीजिए, तब लगेगा छत्तीसगढ़ी में वैसे कोई चीज कब शोध हो गया छत्तीसगढ़ी का। यदि उसको हम नहीं, आपने कहा कि मैंने शोध किया है, शोध को और आगे पढ़िए, तो कब किसके आगे पढ़े, कौन से सन के बाद का आगे पढ़े? ये 204 के बाद आप पढ़ते जाइए, बहुत सारे विकास इसमें हुए हैं। यही है कि लोगों के सामने नहीं आ पाया है, पब्लिकेशन इसका प्रकाशन जो होना चाहिए नहीं हो पाया है। इसके कारण से लगता है कि हम इस ज्ञान से अभी अछूते हैं। इसमें आप जितने गोता लगाते जाएंगे, डुबकी लगाते जाएंगे, आपको ये जानकारियां हासिल होगी। आज हम 16 पेपर पढ़ाते हैं। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं व्यास जी, हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। सुनिए, हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। अगर बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा में अगर पढ़ाया जाता है तो भाषा कहेंगे उसको, बुंदेलखंड को, बघेलखंडी को भाषा कहेंगे या बोली कहेंगे? हम तो इतना आपसे पूछना चाह रहे हैं। यदि इसका विकास हो चुका है, क्षेत्रीय लेवल से वो ऊपर उठकर प्रभावी क्षेत्र के रूप में काम कर रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में काम कर रहा है, पत्र पत्रिका में
यानी आदान प्रदान की भाषा के रूप में, व्यवहार के रूप में काम कर रहे हैं, व्यवहारिक स्थिति में उसका प्रयोग सभी क्षेत्र में यदि हो रहा है तो उसको भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी बोली का ही चोला पहनाकर ही काम चलाया जाए। चलिए मैं मान लेता हूं उसका विकास होता है। छत्तीसगढ़ी की बात नहीं हो रही, आज हिंदी दिवस है, आज छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस नहीं, आज हिंदी दिवस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपके पास फिर से आऊंगा, हमारे साथ हिंदी गीतकार है। नहीं, हम हिंदी की बात करेंगे जी। राव वल्लभ आचार्य जी हैं। आचार्य जी, मैं आपसे भी वही सवाल है, आज के दिन हम हिंदी होना चाहिए। विकास जी हमारे साथ बैठे हैं, हम उनके पास लेंगे उत्तर। जितेंद्र जी भी हैं, पक्ष विपक्ष की बात होगी। हालांकि ये इसकी शुरुआत, हिंदी दिवस की शुरुआत कांग्रेस शासनकाल में हुई थी, इंदिरा जी ने शुरुआत की थी, 1973-74 के आसपास की बात है। सबसे पहले नागपुर में सम्मेलन हुआ था हिंदी दिवस का, लेकिन न ही कांग्रेस न ही बीजेपी किसी ने सामने कहा जरूर कि हिंदी में काम होना चाहिए, इंग्लिश में काम नहीं होना चाहिए, जितना हो सके हाई कोर्ट को छोड़ करके, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के सब जगह हिंदी में। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी काम हो रहा है। अगर हिंदी में लिख करके दे दिया जाए, अगर कहीं पर्ची भी किसी अधिकारी के पास जाते हैं कि इंट्रोडक्शन पर्ची अगर देते हैं तो उसको अगर हिंदी में दे देते हैं तो उसको बड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं। राम वल्लभ जी, हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं, आप आचार्य हैं, इस मुद्दे पे क्या लगता है कि कभी हिंदू को महत्व मिल पाएगा? मैं ऐसा सोचता हूँ कि हिंदी को निश्चित रूप से महत्व मिलेगा जी, परंतु उसके लिए हम लोगों को समन्वित प्रयास करना होंगे, सभी को एक साथ एकजुट होकर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास करना होगा। आप 71 साल हो गए, आपने कहा मिल सकता है, 71 साल हो गए इसको राजभाषा का दर्जा दी। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सन 1917 में जी जो कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था जी, यानी भारत उसके करीब 30 साल बाद आजादी भारत को मिली जी, तब उस सम्मेलन में जो अखिल भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था और वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था जी। तो वो भावना जो है हमारी राष्ट्र को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की, ये तब से उसके लिए प्रयास हुए। और आपको अगर मालूम हो तो हमारे यहाँ तभी से अलग अलग प्रांतों में नागरी प्रचारिणी समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जैसी संस्थाएं जो है वो बनाई गई और उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए योगदान किया। ये आज़ादी के पहले की बात है और आज भी वो संस्थाएं अलग अलग राज्यों में कार्य कर रही हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, आज़ादी हमको मिल गई, हमने राष्ट्रभाषा घोषित की। सन 1949 में 14 सितंबर जैसा आपने बताया, हमको हमारी जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, उस संविधान सभा ने भी सर्वसम्मति से स्वीकृति दी और इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो हमारे जो संविधान की धारा 343 से लेकर 351 तक इस हिंदी को किस तरह से हम पूरी तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित कर पाएंगे उसके लिए अलग अलग नीति और नियम बनाए गए। और उनमें जो विशेष बात थी वो ये थी कि जो दक्षिण भारतीय या जो अन्य भाषा भाषी प्रदेश थे उनमें कुछ समय सीमा निर्धारित की गई, जैसे 15 साल की समय सीमा, किसी राज्य में 25 साल की समय सीमा। तो उस समय सीमा के अंदर उन राज्यों को अपने यहाँ पर हिंदी को लागू करने के लिए प्रयास करना था। लेकिन हुआ ये कि जो क्षेत्रीय भाषा भाषी वाले जो राजनेता थे उन्होंने इसको अपनी भाषा पर अतिक्रमण माना। और आपको ध्यान हो कि एक आंदोलन चला था उस समय जब हिंदी अलग अलग प्रांतों की रचना की गई, तो उसमें अलग अलग जो भाषा के मतलब भाषी जो इलाके थे, जो क्षेत्र थे, उनको एक साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन तब जो है एक आंदोलन चला कि सारे प्रांत जो है वो उनके भाषाई आधार पर प्रांतों की संरचना की जाए। तो स्वर्गीय रामुल जो है उनने अनशन किया और उनका आत्मोत्सर्ग होने के बाद इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और तब भारत शासन ने भाषा भाषी प्रांतों की रचना की और अलग अलग प्रांतों की भाषाएं बनाई।
फिर बाद में ये हुआ कि जेपी आंदोलन के समय हमने हिंदी भाषी क्षेत्रों में खासतौर से अंग्रेजी हटाओ का एक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन भी बहुत जेपी आंदोलन के समय और वो भी बहुत 73-74 में बहुत एक विस्तृत रूप से हुआ जी। तब इन जो अलग प्रांतीय भाषी जो क्षेत्र थे वहां से भी आवाज उठी और उन्होंने हिंदी का विरोध करना शुरू किया। दरअसल बात यह कहां से विरोध चालू हुआ दरअसल बात यह थी ये विरोध कहां से चालू हुआ हिंदी का ये दक्षिण भारतीय प्रांतों की बात है जी। तो वहां जो है राजनेता चाहे वो तमिलनाडु हो या केरल हो या अन्य प्रदेश हो वहां से ये अंग्रेजी को उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मतलब प्रयास किए और उन्होंने कहा कि हिंदी को हम नहीं बनने लेंगे और यही कारण है कि जो हमारे अन्य भाषा भाषी प्रदेश हैं हालांकि हिंदी को किसी भी भाषा से जो अन्य भाषाएं हैं भारत की उनसे भी कोई विरोध नहीं है अंग्रेजी से भी कोई विरोध नहीं है उनका निश्चित रूप से पठन पाठन होना चाहिए। एक त्रिभाषा फार्मूला जो है वो लागू किया गया था लेकिन इसके बावजूद भी उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया सही ढंग से उसको लागू नहीं किया गया तो इसके कारण जो है ये स्थिति आज भी है कि हम अंग्रेजी का वर्चस्व जो है वो कायम रखे हुए हैं। इसमें एक दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात यह है जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि हमने जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका माध्यम भी जो है वो अंग्रेजी रखा क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान सारे प्रदेशों में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था तो सभी प्रदेश के लोग जो हैं वो अंग्रेजी में काम करते थे तो उन्हें सहजता होने लगी और हिंदी में काम करना उनको असहज लगने लगा। दूसरा एक बात और ये थी कि उनको अपनी विशिष्टता जो है वो कैसे प्रदर्शित करें तो इसके लिए अंग्रेजी को उन्होंने महत्व दिया कि भाई जो एक आम आदमी है वो हम उससे विशिष्ट है क्योंकि हम अंग्रेजी जानते हैं। ये जो एक वातावरण बना उससे ये हुआ कि हमारे शिक्षा के माध्यम में भी एक दो प्रकार की पद्धतियां स्थापित हो गई। पहली तो ये थी कि जो सरकारी स्कूल थे वहां पर हिंदी या दूसरी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाने लगा लेकिन जो निजी संस्थाएं थी खासतौर से मिशनरीज द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई उनमें अंग्रेजी माध्यम था और ये देखा गया कि उन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से निकले हुए जो छात्र थे जो वे उच्च पदों पर जो है उनका सिलेक्शन बहुत आराम से होता था तो एक जन सामान्य में ये एक प्रभाव पड़ा कि हमको अंग्रेजी सीखना चाहिए अंग्रेजी में ही बात करना चाहिए अंग्रेजी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं सफल हो सकते हैं। जबकि असली स्थिति यह है कि आप चाहे चीन देख लें चाहे जापान देख लें या दूसरे फ्रांस देख लें तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी के कारण वहाँ विज्ञान की तरक्की हुई है वहाँ तकनीकी विकसित हुआ है वहाँ उनकी अपनी भाषा में तकनीकी ज्ञान बढ़ा है विज्ञान की बातें हुई हैं। और इसी तरह से दूसरी चीज़ ये हुई कि एक ये धारणा लोगों में बनी कि भाई हिंदी तो केवल साहित्य सृजन का क्षेत्र है तो हमारे दूसरे जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी हमें हिंदी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल आवश्यकता तो है लेकिन जैसा आपने कहा कि अंग्रेजी का वर्चस्व करने के लिए अंग्रेजों के शासन काल में ये लगभग मुझे लगता है 10-25-50 साल उसमें कानून भी बड़ा सख्त था कि आपको इसमें करना ही है आप तभी प्रशासनिक अधिकारी बन पाओगे जब अंग्रेजी सीखे हो। अगर यही अगर यहां हो जाए कि हिंदी अगर सीखे हो तो ही प्रशासनिक अधिकारी बन पाओगे तो अभी भी 73 साल हो गए उन्होंने वर्चस्व कायम करने के लिए मुझे लगता है 60-70 साल तो लगे होंगे अंग्रेजों के शासनकाल में। आप सहमत हैं इससे आचार्य जी आप इससे सहमत हैं? हाँ जी आपकी बात सही है लेकिन ये जो विरोधाभास हुआ है खासतौर से राजनीतिक हित साधन के लिए अब जैसे अभी बात आई छत्तीसगढ़ की व्यास जी ने कहा कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो छत्तीसगढ़ की राजभाषा घोषित की जा चुकी है अगर ये स्थिति रहेगी तो हम हिंदी बोलने वाले भी अलग अलग जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां हैं उनमें विभक्त हो जाएंगे। अब मांग उठ रही थी बीच में बुंदेलखंड
के निर्माण की। अगर बुंदेलखंड बनता है तो बुंदेली हो जाएगी, फिर मांग उठेगी बघेलखंड की तो बघेलखंड बन जाएगा, ब्रजभाषा की क्षेत्र की बात उठेगी तो ब्रजभाषा हो जाएगी। तो ये जो है हिंदी को कमजोर करने के लिए जो है स्थिति पैदा होने वाली है, ये एक बहुत चिंतनीय विषय है जिस पर हमको विचार करना होगा। क्योंकि अगर हमारे ही देश में जहाँ सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है वहाँ भी ये स्थितियाँ रहेंगी, तो हम हिंदी को जो है वो किस तरह से अपनी राजभाषा का दर्जा जो मिला है वो सही रूप से उसको स्थापित कर पाएंगे, और किस तरह से हम विश्व भाषा के रूप में भी, आपने कहा कि विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो हम उस स्थिति में भी कैसे पहुँचेंगे। तो हमें सोचना होगा कि हम ये क्षेत्रवाद जो है उससे थोड़ा सा ऊपर उठें और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें विज्ञान तकनीकी हर प्रकार का जो है ज्ञान उपलब्ध हो सकता है और हो रहा है, और बहुत विभिन्न विभिन्न उसके पाठ्यक्रमों में हिंदी का जो है वो लागू किया गया है, अनुवाद किया गया है, अंग्रेजी शब्दों का एक अलग कोश बनाया गया, तकनीकी कोश अलग है, विज्ञान कोश अलग है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते। हम बहुत आसानी से ये बात अनुभव करते हैं कि हम किस तरह से अंग्रेजी के शब्दों को मिलाएं और अपनी विशिष्टता सिद्ध करें, यही स्थिति जो है हिंदी को कमजोर कर रही है। चलिए बार फिर उधर छत्तीसगढ़ जाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी पक्ष विपक्ष की बात भी कर ले। विकास जी, हमें तो ऐसा लग रहा था 14 सितंबर 1915 कि 16-17 आते आते हम हिंदी में हो जाएंगे, बाकी जगह हो कि ना हो मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। आप मेरा आशय समझ गए कहां की बात कर रहा हूं मैं? जी जी बिल्कुल है। जब प्रधानमंत्री आके कहे, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आके कहे, मुख्यमंत्री आके कहे, अधिसूचना जारी कर दी जाए कि जो काम हिंदी में अगर जो अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं करेंगे उनको दंडित किया जाएगा, तो अभी तक हमें तो एक दो जगह दिखा नीचे लेवल पे जो आपके जो बड़ा बाबू कह सकते हैं, सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी भी नहीं, मंत्रालय हो, संचालनालय हो या ज्वाइंट सेक्रेटरी तक तो बात ही छोड़ दीजिए, ये लोग शायद कुछ कुछ हिंदी में नोट शीट लिखने लगे हैं, लेकिन उसको बड़े जब उसका अधिकारी के पास पहुंचता है तो वो देखता है इसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसफर करके लाओ। मैं अपना उदाहरण भी बता दूंगा अगर आप कहेंगे। बैंकों में बड़ा हिंदी में कहां काम होने लगा, आज भी काउंटर जरूर लगा दिया गया है कि खुला है, ओपन, ओपीईएन की जगह खुला है लिख देते हैं, लेकिन ओपन जरूर लिखते हैं। कितना परिवर्तन हो गया, 30 करोड़ रुपए उस सम्मेलन में 15 करोड़ राज्य सरकार के, 15 करोड़ केंद्र सरकार के खर्च हुए थे। विकास डॉक्टर साहब, मूल बात यह है कि हमारा गौरव, हमारा जो संस्कृति है वो भाषा से झलकती है जी। और अगर हम इनके ऊपर कुछ खर्च करके काम करते हैं, उसको सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं जी, कोई किसी भाषा से, किसी बोली से कोई बैर नहीं है। सबसे पहले बैर की बात ही मैं कह रहा हूँ कि मुझे, मैं खुशी हो रही थी, लेकिन अपनी जिस तरह से पहल की गई, विकास जी जिस तरह से पहल हुई थी मुझे बहुत खुशी हुई थी। नहीं, मैं हिंदी का पत्रकार हूँ, हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हैं, मैं हिंदी प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा बड़ा हुआ पला हूँ, तो यकीनन हमें हिंदी से लगाव है, हम हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, उसके उसमें अगर भाषा भी एक उसका अंग है, उसको सुदृढ़ बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि इसमें इन छोटे खर्चों या अगर हम उस आयोजन को एक भव्य रूप देके भाषा की भव्यता और भाषा से जुड़ी संस्कृति का भव्यात्मक प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इसमें कहां कोताही। प्रदर्शन तो बहुत अच्छा हुआ, मैं बोल रहा हूं। लेकिन परिणाम की हम बात कर रहे हैं, निकले देखिए मध्य प्रदेश में जहां तक मुझे लगता है कि आज भी संक्षेपिकाएं, जो यहां तक कि मंत्रिमंडल की संक्षेपिकाएं आती हैं वो तो हिंदी में ही आती है जी, भले हम उन्हें प्रेस ही कह देते हो लेकिन संक्षेपिकाएं हिंदी में बनती हैं, जो आदेश पत्र हैं वो भी हिंदी में होते हैं। मुझे एक जरूर, मैं आपको एक बात कहूंगा, मैंने सन आदेश पत्र पहले भी ऐसे निकल रहे थे 15 सितंबर 2015 के, 14 सितंबर 2015 के पहले भी जी। देखिए भाषा का उन्नयन केवल नियमों में बांध के करा जा सके, मुझे लगता है कि हिंदी के जो
साहित्यकार हैं और हिंदी के ऊपर जो शोध करने वाले हैं वो भी ये कहेंगे कि केवल उससे नहीं हो सकता, उससे हम लोगों को उस भाषा के उपयोग के लिए अपने क्षेत्र में प्रेरित तो कर सकते हैं। अब हम सोचें कि दिल्ली में मान लीजिए अगर दक्षिण भारतीय कोई अधिकारी है वो भी मध्य प्रदेश के पत्राचार को हिंदी में बहुत अच्छे से समझ के हमारे लिए बहुत बेहतर वहाँ पे पक्ष रखते हुए कार्य कर सकेगा, तो फिर स्थिति वहाँ की बात ही कहाँ की, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कितना परिवर्तन, क्योंकि यहाँ हिंदी सम्मेलन इस हिंदू सम्मेलन मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके बाद मॉरिशस में फिर हो गया 18 में। हम हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष कार्यालय देख लें जी, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कार्यालय देख लें, कमिश्नरिया देख लें, या हम हमारा मंत्रालय देख लें, विभागों के मुख्यालय देख लें, लगभग प्राय प्राय काम हिंदी में ही होता है। अब अंग्रेजी का जितना सम्मिश्रण हो गया उतना हो गया होगा, बाकी अन्य कोई भाषा का तो उसमें कोई उपयोग हमारे यहाँ करते नहीं, कोई मिश्रण भी नहीं होता है। अब देखिए कोई कोताही नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा कि विश्व हिंदी सम्मेलन के मायने ये थे, नंबर एक हमें हमारी भार में अपनी भाषा का प्रचार किया, प्रचार होना, हमें हमारे लोगों को हमारी भाषा के गौरव का आभास होना और वो उस भाषा के इस्तेमाल के ऊपर और बुलंद इरादे रख सके, इसका एक अनुभव कराना। और तीसरी बात, तो ये थोड़ा नियम कायदा भाई बनाने का प्रयास किया गया, मुझे लगता है बैंकों में भी एक भाषा का, राष्ट्रभाषा का, हिंदी के का उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरणात्मक कदम उठाए गए हैं। आप भाषा का उपयोग करेंगे उसके लिए पुरस्कार रखे गए हैं, तो प्रेरणादायी तौर तरीका तो हो सकता है, दंडात्मक तरीका नहीं हो सकता। हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, आरोप क्या, विश्व हिंदी सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? हाँ, मैं बताऊं, नहीं यहाँ पे भोपाल है, हाँ भोपाल हाँ, संभाग में ही हमने देखिए अटल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जी, जो संकाय के लिए कभी भी हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, विषय हिंदी में आता ही नहीं था उनका, अभियांत्रिकी हो आपका मेडिकल साइंस नहीं, अभियांत्रिकी तक ही अभी सीमित है, अटल बिहारी विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी तक ही सीमित है और बाकी और मेडिकल को भी लाने का प्रयास तो कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा, ये तो 2-4 सालों का प्रयास है। लेकिन मुझे लगता है कि इस ओर अगर हम मुड़े हैं, और जो आचार्य साहब ने बात की कि कैसे चीन जापान अपनी स्वयं की भाषा में तकनीक और प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर सके हैं, तो वो चीजें हम भी पा सकते हैं। खासकर बीजेपी हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी कही जाती रही, अब तो राष्ट्रीय पार्टी है पूरी तरह से। हिंदी भाषा को प्रमुखता देने का एक बड़ा कारण एक और, एक तो सांस्कृतिक गौरव का आभास, दूसरा जो हमारा गरीब गाँव में रहने वाला, देहात में रहने वाला व्यक्ति है जो कि वास्तव में हिंदी के अलावा कुछ भाषा जानता ही नहीं, उसके लिए रास्ते खोलना, उसे प्रथम पंक्ति में लाके कैसे खड़ा करना, ये हमारा एक उद्देश्य। विकास जी, जितेंद्र जी बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा अटल बिहारी, ये अच्छा मतलब प्रयास है, बीजेपी सरकार का अच्छा प्रयास रहा है कि अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय खोला जाए। अभियांत्रिकी की आपने बात की, तो थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है कि 50 से 60 स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अभियांत्रिकी महाविद्यालय में, वो 5 बचे हैं, मात्र 5। शुरुआत में जब आपने खोली थी तो आधा सैकड़ा सुपर थे, वो 5 नीचे आ गए, तो ये भी एक महत्व है। जितेंद्र जी, निश्चित है विकास जी की जो सम्मेलन हुआ उसका प्रभाव ये हुआ था कि जो बाकी के हमारे यहाँ 1 सैकड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभियांत्रिकी कॉलेज है, उसमें भले ही हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध ना हो, लेकिन जो वहां के शिक्षक जो अपना लेक्चर देते हैं, उद्बोधन देते हैं, वो बहुत हिंदी में होने लगा। चलिए अच्छी बात है, हिंदी होने लगा, इसमें हमने इसलिए कहा मात्र 5 बजे है कि बहुत अच्छे से प्रयास नहीं हुआ, प्रयास मतलब जो उसको धरातल में उतारने के प्रयास होने चाहिए वो नहीं हुआ। सम्मेलन में बहुत अच्छे प्रयास हुए, लेकिन धरातल में उतारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो खानापूर्ति कांजो तक सीमित रह गई, बाकी राज्यों की अपेक्षा कुछ हुआ। जितेंद्र जी, निश्चित तौर पर विकास जी की बातों का उत्तर देंगे ही, लेकिन साथ में यही कि ये स्वर्गीय इंदिरा जी ने इसकी शुरुआत कराई थी विश्व हिंदू दिवस सम्मेलन के, विश्वभर में इसको करने के लिए। ज्यादातर इसके सम्मेलन विदेश में हुए, यहां पर 2015 में हुआ था, उसके बाद 2018 में मॉरिशस में हुआ,
ये अलग। लेकिन कांग्रेस ने भी भाग नहीं दिया, इन्होंने, मैं आपको उदाहरण सहित बता दूंगा जितेंद्र जी अगर होगा, कि अगर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार में कई प्रयास किए गए, कई आदेश निकाले गए, होने भी लगे थे, यहां तक कि केंद्र सरकार को जो पत्र व्यवहार होने लगा था वो हिंदी में होने लगा था, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार बनाते ही वो सारे अंग्रेजी में फिर चालू कर दिए। ठीक है त्रिपाठी जी, हिंदी का जहां तक सवाल है जी, तो अभी मैं आचार्य जी को सुन रहा था, शास्त्री जी को सुन रहा था जी, 1914 से बात शुरू होती है, 1949 का भी जिक्र आया, 53 में शायद हिंदी विश्व 14 सितंबर की हिंदी दिवस के रूप में मनाने की बात 1953 से शुरू, इंदिरा जी ने भी इस पर काम किया। आज सवाल इस बात का है, निश्चित तौर पर हमारा दुर्भाग्य कि इतने सालों के बाद भी आज हम हिंदी की बेचारगी पर चर्चा कर रहे हैं जी। आज हमें और आज चर्चा के बाद कल से समाप्त, बिल्कुल आज हम इसकी समृद्धि की दिशा में सोच रहे हैं, जबकि हमारी इस हिंदी भाषा को समृद्ध हो जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य, आज राजनीतिक बात नहीं है, आज हम सबको विचार करना पड़ेगा कि आखिर इतना समय क्यों लगा जी। मुझे लगता है कि न्यायालय की भाषा नहीं हुई इसलिए सबसे ज्यादा समय लग रहा है इसको, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकारी भाषा, ये मैं मध्य प्रदेश की बात भी करूंगा जो हिंदी सम्मेलन हुआ तो उसकी बात, सरकारी भाषा हो जाती तो निश्चित तौर पर आज बहुत सारी जगह हिंदी का वो होता। दूसरी, राजनीति की भेंट अगर चढ़ा है तो हिंदी चढ़ गई है, क्योंकि हर प्रदेश में अपनी भाषा है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदी को नीचा देखना पड़ रहा है, हिंदी पीछे रह जाती है क्षेत्रीय भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषा होती उसके साथ हिंदी कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, इस चीज में सुधार किया जाना चाहिए था कि आज हिंदी एक विषय होना चाहिए, क्योंकि हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अकेली भाषा है जो एकता में देश को पिरो सकती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सारी सरकारें रही, उन्होंने जितना भी प्रयास किया हो लेकिन प्रयास समुचित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज इतने साल बाद भी हम हिंदी की विचारगी पे रो रहे हैं बैठ के। इस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। आपको ये बताऊं कि मध्य प्रदेश में बड़ी आशा की किरण जगी थी जब मोदी जी यहां आए थे कि मध्य प्रदेश में तो शुरू होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हिंदी की भाषा की शुरुआत नहीं हो पाई तो वो नौकरशाहों की भेंट चढ़ गई, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी आचार्य जी ने भी कहा कि एक एक विशेष दर्जे के लिए अंग्रेजी में बात करते, और आज तो समाज भी उस दिशा में चल पड़ा, बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की होड़ लगी हुई, हिंदी से कोई लेना देना नहीं, समाज में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो, गोविंदा जी ने शुरू किया था अंग्रेजी अंग्रेजी भगाओ आंदोलन, सारे विनोबा ने जो किया, गांधी जी ने जो किया, तिलक ने किया, सुभाष बाबू ने जो किया, सब के सब हिंदी की बेहतरी की दिशा में प्रयास करते रहे, हो क्यों नहीं पाया, क्योंकि आज सरकार चलाने में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे, जो नौकरशाह, वो नहीं चाहता है कि हिंदी में कोई बात हो, क्योंकि वो एक एक अपना स्तर ऊंचा रखना चाहता है और दूसरे जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनसे वो बेहतर और श्रेष्ठ दिखने की कोशिशों में लगातार सारी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम वो करते हैं। अगर सरकार इच्छा शक्ति से उनको काबू में कर पाए तो ही हिंदी की दशा सुधर सकती है। 73 साल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी दुर्भाग्यजनक बात, इसमें तो रहा सवाल दोषी दिख रही है, रहा सब नहीं, देखिए कांग्रेस का नहीं सवाल इस बात का है कि ब्यूरोक्रेट्स पे कैसे कसा जाए सब, इस चीज इसमें किसी भी सरकार को आप दोषी मानिए, अब क्या है, अब राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ गई, तो निश्चित तौर पर वो अपने वोट के लिए ये कहती है कि हमारी क्षेत्रीय भाषा राजभाषा होगी, हम उसमें काम करेंगे, इसको देखा आपने लड़ाई झगड़े दंगे फसाद सब हुए, लेकिन इसमें जो केंद्र में बैठी सरकार है उसको निर्णय लेना पड़ेगा, यदि ईमानदारी से वो हिंदी के लिए प्रयास करेगी तो सारे प्रदेशों को मानना पड़ेगा, और एक विषय हिंदी का पढ़ाने के लिए अनिवार्य होना चाहिए। आज आपने तो चीन की बात की, जापान की बात की, आज हिंदी कितना बड़ा साहित्य है, आज से अनपढ़ से लेकर ज्ञानी तक हमारे पास पढ़ा है। आप ये देखिए कि चाचा मामा काका बाबा फूफा मामा सबके लिए हमारे पास शब्द है, अंग्रेजी में सिर्फ एक अंकल कह के खत्म कर दिया जाता, मैंने एक बहुत विशाल शब्दकोश रखे बैठे हैं, लेकिन हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्यूरोक्रेट्स इस चीज को आगे नहीं आने देते, क्योंकि वो फिर बराबरी में दिखने लगेंगे। रहा सवाल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी आए थे, 30 करोड़ रुपए का जो रस्म अदायगी की गई, वो दुख का कारण मेरे लिए ये है कि आज उस पैसे से बहुत बड़ा काम हो सकता था, लेकिन कारण वही रहा, कुछ दिन काम चला बंद हो गया,
क्योंकि सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। फिर 14 सितंबर आएगा, फिर आप और हम बैठेंगे, फिर यही एक कोई निर्णय होगा। लेकिन उस निर्णय को अगर हम लगातार उसके पीछे लगे रहे, उसकी मॉनिटरिंग करते रहे, जो भी सरकार में बैठे, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, जो भी सरकार में बैठे वो, जो कि हमारे पास 2015 में मौका था, इतना बड़ा आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री के सामने सौगंध खाई गई, सारे आर्डर हुए, अध्यादेश जारी हुआ, उसके बाद अगर नहीं है तो सरकार की विफलता कही जाएगी। त्रिपाठी जी, जी, जी। मोदी विकास जी, आप कुछ कहने वाले थे बीच बीच में, फिर हम फाइजल साहब के पास चलेंगे। एक बात तो ये कि यकीनन कांग्रेस देश में ज्यादा साल रही है, तो मतलब दायित्व उनका बनता था, देश जब बना और प्रदेशों प्रांतों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सब कुछ अपेक्षा कर लेना। देखिए त्रिपाठी साहब, भाषा, हर एक भाषा के प्रति सम्मान है, मान है, प्रेम है, लेकिन हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी हमारा अभिमान है, क्योंकि हमारी भाषा है और देश को एकता में पिरोने में सबसे सहायक जो भाषा है वो यकीनन स्वभावतः हिंदी है, इसलिए हिंदी पे जोर है। दूसरी बात देखिए, मैंने हिंदी के दो उपयोग आपको बेहतरीन बताए हैं, जो हमारी संस्कृति और एक आम आदमी का उस भाषा के उपयोग करके देश कि पहली पंक्ति में आके खड़ा होने में सक्षमता होना, इस दो के लिए हिंदी भाषा का महत्व है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया है। अब मैं तो कहूंगा कांग्रेस ने किया है विकास जी, प्रशासनिक बात हो रही है, मैं तो कांग्रेस की बात कहूंगा, कांग्रेस के दिल्ली से और मध्य प्रदेश मुख्यालय से जो जारी पत्र होते हैं ना साहब, वो स्वयं अंग्रेजी में होते हैं, हिंदी में नहीं होते। ये मेरा ये कहना है, तो बताइए हिंदी तो हालत आपकी बात करने वाले आप लोग, आपका क्या योगदान है हिंदी की बेहतरी की दिशा में? ठीक है, आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए, लेकिन हिंदी हिंदुस्तान का नारा देते हो आप और हिंदी के लिए 30 करोड़ रुपए बर्बाद करते हो और उसके परिणाम क्या निकले, मैं इस पर भी तो विचार होगा। विकास जी देखिए, सवाल विकास से नहीं, 30 अरबों रुपए इस प्रदेश का नारा, आप नहीं देते हिंदी का नारा? नहीं नहीं, सब देते हैं, आप ज्यादा देते हैं तो हमसे ज्यादा नारा देते हैं, लेकिन ये 30 करोड़ रुपए जो देखिए, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, मध्य प्रदेश का पता होगा से, लेकिन उस पर कार्य नहीं किया गया, ये तो पार्टी साल करना पड़ेगा ना। हिंदी सम्मेलन और हिंदी के उपयोग के चलन में कैसे बढ़ावा आया उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए हिंदी कंप्यूटर का जमाना है, थोड़ी सी बात कहूंगा, इशारा बंद करूंगा, बाकी तो आप समझ जाएंगे, कंप्यूटर का जमाना है, उपयोग करना भी अति आवश्यक है। विश्व हिंदी सम्मेलन एक चरण बना जिसके जिसमें हमने हिंदी को कैसे हम कंप्यूटर की अपनी भाषा में इस्तेमाल कर सकें और उससे दस्तावेजीकरण तैयार कर सकें, हिंदी में कैसे ज्यादा कंप्यूटर और इंटरनेट पे अध्ययन के लिए मटेरियल उपलब्ध हो जाए, ये हमने आम जनता तक इस चीज को पहुंचाया, जो हिंदी नहीं पहुंच पाया। हमने देखा था सम्मेलन में, हम गए थे, उसमें लिखा था कंप्यूटर की जगह टंक कार्ड और सब सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन पहुंचा नहीं, वहां प्रदर्शित किया गया। जैसे जैसे इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी के शब्दों को भी कुछ को अपनाया, हमने भी तो कुछ अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी के रूप में अपना लिया है, वो परहेज की बात मैं आज नहीं कर रहा हूं। मैं यूं कह ले, आप आचार्य साहब कहेंगे ये शब्द शायद गलत हो सकता, संस्कृत निष्ठ हिंदी बहुत के लिए मैं आतुरता नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन जन सामान्य के लिए हिंदी का विषय अपनी प्रगति में सहायक बन सके, वो हम इस प्रदेश में स्थिति ला पाए। आप एक बात बताइए ना, अभियांत्रिकी, आज अभियांत्रिकी में विकास जी अभी फाइनल साहब का बात है, हर लंबा बोल रहे हैं, वाला गांव वाला बच्चा आके कैसे पढ़े? अरे आपको इतना लंबा समय दिया, लेकिन अंत में आप बोल रहे हैं कि हमने ये किया, आपने बहुत लंबा चौड़ा आपने तो चरण को बता रहा हूँ क्या उद्देश्य है, वो भी विकास जी फाजिल साहब का सर। फाजिल साहब, निश्चित तौर पर हिंदी आनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया अटल बिहारी विश्वविद्यालय में शुरुआत में इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसको अभियांत्रिकी महाविद्यालय का नाम दिया गया, उसमें आधा सैकड़ा के लगभग बच्चे थे, घट के 5 आ गए। क्या इसको ये कारण माना जाए कि हमने विदेशों की संस्कृति अपनाने के साथ साथ वहां की टेक्नोलॉजी को अपनाया, चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे मेडिकल साइंस की बात हो, और जब उसकी टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात मैंने यहाँ की तो उसके साथ उसकी भाषा को मुझे मजबूरन अपनाना पड़ा। आज मेडिकल साइंस में बिना अंग्रेजी की कोई पुस्तक नहीं है,
इंजीनियरिंग में बिना अंग्रेजी की कोई पुस्तक नहीं है, अगर अभियांत्रिकी उस तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, इसी तरह न्यायालय की भाषा को अलग कर देते हैं, न्यायालय में भी छोड़ देते हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है? हाजी साहब, वेरी राइट सर, ये कहते हैं साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल अदर इज अ करप्ट ट्रांसलेशन। मैं बताता हूँ, अंग्रेजी पहले आगे नहीं बढ़े, पहले अंग्रेज आगे बढ़े, उनका कल्चर, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका सिस्टम, उनका उनका पूरा समाज, उनका ताना बाना वो बढ़ा, उसके बाद उनकी लैंग्वेज बढ़ी। जब अंग्रेज यहाँ थे तो पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी थी, लेकिन क्या सारे लोग सीख गए थे? अभी जितने भी लोग आप कह रहे हैं कि आपको इसको गवर्नमेंट में लेकर आए, ऑफिशियल भाषा बनाए, तो ऑफिशियल भाषा अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी भी थी, लेकिन सब भारतीय अंग्रेजी नहीं सीखी। ऑफिशियल भाषा बनाने के बाद भी आप नहीं सीख पाएंगे। जैसा आपने जो कहा सर, आपने जो बहुत सही कहा कि टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, अपना रिसर्च लाइए, इनोवेशन लाइए, आप दुनिया को दिखाइए कि कुछ आप नया कर सकते हैं। जब आपके कार्य, आपके एक्शन, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका सिस्टम जब लोगों को इंप्रेस करता है, तो आपकी भाषा ऑटोमेटिक इंप्रेस करती है। अंग्रेजी इंप्रेस इसलिए करी कि अंग्रेजों ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इकोनॉमी, अपना मैनेजमेंट, अपना सिस्टम, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले स्ट्रांग किया, तो सारी दुनिया देखते रही अंग्रेजी। हम इसलिए नहीं बोलते, अगर अंग्रेज वहां से आगे नहीं आते तो कभी हम अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेजी इसलिए बोले क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट किया। हमने जो भाषा को ट्रांसलेशन किया है, क्या वो इतनी इंटरेस्टिंग है? क्या इतनी वो फ्लो है, इतनी स्विफ्ट है, इतनी इजी है, इतनी एक्सेप्टेबल है? उनको और अच्छी रिसर्च करिए, उनकी ट्रांसलेशन और अच्छा बनाइए। और फिर मैं कहता हूं, अगर आप चाहते कि साउथ वाले हिंदी बोले, तो साउथ के एक्टर्स को हिंदी फिल्म में लीजिए। जब आप रजनीकांत को हिंदी फिल्म में लेते हैं, और जब रजनीकांत हिंदी फिल्म करता है, तो साउथ के लोग उसकी फिल्म देखते और हिंदी सीख जाते हैं। मैं सोचता हूं कोई फोर्स, कोई आदेश, कोई गवर्नमेंट का नियम किसी को भाषा सिखा नहीं पाएगा। अगर भाषा सीखना है तो टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, रिसर्च करिए, इनोवेशन करिए, बताइए दुनिया को कि हिंदी भाषा, हिंदी लोग, हमारा देश में जब हम ये सब कुछ कर पाएंगे, तो पूरी एक भारत की क्या बात कर रहे हैं? मैं इंटरनेशनल बात करता हूं, मैं ग्लोबल बात करता हूं, पूरी दुनिया आपकी भाषा को सीखेगी। लेकिन पहले वो इकोनॉमी डेवलप करिए, वो सिस्टम लाइए, वो कल्चर लाइए, वो इनोवेशन लाइए, इसके बाद ही भाषा आगे बढ़ेगी। ईमानदारी की बात तो सर यही होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने व्यास जी। अगली बार कहीं छत्तीसगढ़ जब कोई आएगा, रायपुर आएगा, हम आपकी सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा आपने कहा, मैं मानता हूँ, भाषा का सम्मान करता हूँ। तो स्टेशन में या जो सरकारी कार्यालय है, वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ क्या उसका संबोधन हिंदी भाषा में रहेगा या अंग्रेजी भाषा में? हिंदी भाषा में रहेगा जी, उस वही में अंग्रेजी को आप वहाँ संबोधन छत्तीसगढ़ी के साथ हिंदी भाषा में रहेगा। जी 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 जी, अंग्रेजी का यहाँ उतना वर्चस्व नहीं है, शिक्षण में वर्चस्व है, यही ये कह ले हिंदी भारत की आत्मा की वाणी। जी हिंदी भारत की आत्मा की वाणी है, हिंदी का व्यवहार जितना ज्यादा होगा है? उसका प्रचार प्रसार जितना ज्यादा होगा, उतने ही हम उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ भाषा और बोली का विरोध नहीं है। विनोबा जी कहते थे, मुझे देश की विदेश की सभी भाषाओं का सम्मान है, किंतु मेरे देश में मेरी देश की भाषा का यदि हिंदी का अपमान होता है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और इसी के लिए विनोबा जी ने 1975 में नागरी लिपि परिषद की स्थापना की थी, और इस स्थापना के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी को आगे किया था। तो इसका उदाहरण उन्होंने दिया था, यदि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं और एक ही वेशभूषा में रहते हैं, तो आप अपने बच्चे को स्कूल में जाते हुए तो देखते हैं, मगर छुट्टी के समय बच्चों को निकलते हुए जब देखते हैं तो अपने बच्चे को पहचान नहीं पाते। उसका कारण है एक जैसी वेशभूषा। उसी प्रकार से यदि हम व्यवहार में हिंदी को बढ़ावा देंगे, लेखन में बढ़ावा देंगे, शिक्षण में बढ़ावा देंगे, तो हिंदी के व्यवहार को कोई रोक नहीं सकता। यही है हमारी इच्छा शक्ति का कमी है। इच्छा शक्ति कमी होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी यदि इसमें सहयोग दे, साथ साथ राजनेता भी इसमें सहयोग दे, तो हिंदी के विकास को कोई रोक नहीं सकता। हिंदी के विकास को केवल हम ही रोकने का प्रयास किए हैं आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी। आज भी कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल की स्थिति को देखें तो हिंदी की स्थिति जो बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें। सामूहिक प्रयास करने से इसको लचीला बनाएं, सरल बनाएं,
लोगों को समझ में आ जाए इस प्रकार के व्यवहार का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में गया था, लाइब्रेरी में गया था, वहाँ एक से एक पुस्तकें हिंदी में है, मगर वहाँ के बच्चे हिंदी की पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाते। मैंने पलट कर देखा, एक भी स्टूडेंट उसको इशू नहीं कराए थे। मैंने वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोला, आप इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें यहाँ परचेस करके रखे हैं मगर पढ़ने वाले कोई नहीं, मगर दुर्भाग्य है हमारे विश्वविद्यालय में पुस्तकों की कमी। यदि इस प्रकार का व्यवहार रहे तो हिंदी का विकास कैसे होगा? हिंदी का विकास करने के लिए हमको सामूहिक रूप से छात्र छात्राओं को प्रेरित करनी होगी, लाने के लिए जनता के बीच में हमको सरलीकृत करके उसको सामने रखना पड़ेगा। समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा के रूप में उसको सरलीकृत करें, व्यवहार की भाषा के रूप में सरलीकृत करें, तो हिंदी के विकास को कोई रोक नहीं सकता। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध नहीं है, क्षेत्रीय भाषाओं तो उसको संबल प्रदान करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है। बेटी कभी माँ का विरोध नहीं करती, माँ बेटी को आगे बढ़ना देना चाहती है। जैसे अभी कह रहे थे क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रचलन नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं से रहेगी ही, व्यवहार में रहेगी, उसको हटा नहीं सकते। मगर इसमें जो दक्षिण भारतीय लोगों का जो विरोध होता है, जिसके कारण से हिंदी आज हमसे दूर होते जा रही है, यदि ये विरोध कम कर दिया जाए, अभी शासन में जो मोदी जी के जो लहर है, यदि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, यदि इसको प्रसर दिया जाए तो हिंदी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। आज 2/3 हिंदी भाषी इस देश में है, मगर 16 प्रदेश अभी भी हिंदी को राजभाषा घोषित नहीं किया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है 73 वर्षों के बाद भी जी। लेकिन व्यास जी, अभी तक तो जैसे हम पढ़ते आए हैं, जो साउथ का कोई आएगा जिसको हिंदी नहीं मालूम है, वो उड़ीसा जाते हैं तो उड़िया के साथ स्टेशन, खास मैं एक ही बात कहता हूँ कि आवागमन के साधन को लेकर के, ट्रेन हो या बस हो, बस स्टेशन में उड़िया में लिखा रहता है या अंग्रेजी में लिखा रहता है। कर्नाटक जाते हैं, कन्नड़ में लिखा रहता है, तेलुगु में लिखा रहता है अकेला। तो ये ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में जब कोई आएगा तो छत्तीसगढ़ तो आप कंपलसरी लिखेंगे ही छत्तीसगढ़ भाषा में, तो आप उसके साथ हिंदी लिखेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेशन आ गया। यहाँ हिंदी ही है जी, नहीं यहाँ हिंदी ही है, छत्तीसगढ़ी उस रूप में उतनी अभी प्रचलित नहीं है, हिंदी का ही प्रयोग है यहाँ। छत्तीसगढ़ी अभी प्रारंभिक स्थिति में है, आगे प्रचलित होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी ही है यहाँ, प्रचलित होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्रचलित होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी व्यवहार होगा, तीन छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेजी का भी व्यवहार होगा लेखन में। चलिए एक बार फिर हम, हमारे साथ हिंदी गीतकार हैं, आप हिंदी गीतकार हैं, एक दो लाइन आप सुना सकते हैं क्या आचार्य साहब हिंदी को लेकर के? आचार्य साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आप गीतकार भी हैं, हिंदी पे कुछ लिखा भी होगा आपने जी जी, तो हम चाहेंगे 2-4 लाइन हिंदी को लेकर। मैं पहले एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ जी। 1972 में जी मैं रायपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज का विद्यार्थी था जी, और वहाँ किराए के मकान में मैं रहता था जी। वहाँ एक बच्चा था जो 3री-4थी क्लास में पढ़ता था, तो मुझे छत्तीसगढ़ी समझ में आती नहीं थी, क्योंकि नया नया वहाँ पहुँचा था। तो मैंने उस बच्चे से कहा, यार तुम मुझे छत्तीसगढ़ी सिखा दो। उस बच्चे ने कहा कि आप कोई भी वाक्य बोलिए, मैं उसको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, इसको क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ी में? बोले हिंदी तो आप सही बोलिए। मैंने कहा क्यों? बोले आप बोलिए, मैं शाला जाता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार ये इतना सा बच्चा और ऐसी बात कर रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शाला जाता हूँ, इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? बोले मैं स्कूल ना जावत हूँ। तो वो जो स्कूल शब्द है वो इतना गहरा पैठा हुआ है कि हमारी हिंदी में ही नहीं बल्कि जो हमारी बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी तक में वो आत्मसात किया गया है जी। और हमने अंग्रेजी शब्दों को इस तरह से आत्मसात किया है कि आज हम देखते हैं कि हमारे अखबारों में जो भाषा आ रही है वो भी अंग्रेजी और हिंदी का रूप है। जो क्रियापद होते हैं केवल उनका इस्तेमाल जो है वो हिंदी भाषा के शब्दों में होता है, अन्यथा बाकी शब्द जो है अंग्रेजी के होते हैं। अब एक व्यंग मैंने इसी
बात को रेखांकित करते हुए एक व्यंग गीत लिखा है और मैं वो प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष जी। और प्रसंग यह है कि किसी कार्यालय में एक सूचना पट पर एक सूचना लगा दी गई है और सभी लोगों को ये कहा गया है कि भाई अब अंग्रेज हिंदी का दिवस आ रहा है, एक सप्ताह तक हम हिंदी सप्ताह मनाएंगे। तो उसका जो नोटिस है उसकी शब्दावली को कटाक्ष करते हुए मैंने ये गीत लिखा है कि आओ फ्रेंड्स सभी मिलकर हिंदी डे सेलिब्रेट करें जी। आओ फ्रेंड्स सभी मिलकर हिंदी डे सेलिब्रेट करें कि ऑफिस के हर एम्प्लाई को दे दो यह नोटिस जाकर, ऑफिस के हर एम्प्लाई को दे दो यह नोटिस जाकर कि वर्क करें सब हिंदी में और अपनाएं हिंदी का कल्चर जी, कि हिंदी में कन्वर्सेशन हो और हिंदी में ही चैट करें। आओ फ्रेंड्स सभी मिलकर हिंदी डे सेलिब्रेट करें जी। और इसमें दूसरा अंतर है कि एक वीक तक ऑफिस में हम हिंदी वीक मनाएंगे जी, एक वीक तक ऑफिस में हम हिंदी वीक मनाएंगे और हिंदी राइटिंग स्पीकिंग के कंपटीशन करवाएंगे जी। हिंदी राइटिंग स्पीकिंग के कंपटीशन करवाएंगे कि हिंदी में ही हो हर डीलिंग जी, यह ट्रेडिशन सेट करें जी। हिंदी में ही हो हर डीलिंग, यह ट्रेडिशन सेट करें कि आओ फ्रेंड्स सभी मिलकर हिंदी डे सेलिब्रेट करें जी। और एक और अंतर है इसका कि फाइल पर भी हिंदी में ही नोटिंग हो यह ध्यान रहे जी, फाइल में भी हिंदी में ही नोटिंग हो यह ध्यान रहे और हिंदी को प्रमोट करने का टाइम बाउंड प्लान रहे जी। कि मैटर यह अर्जेंट बहुत है जी, तनिक ना इसको लेट करें, आओ फ्रेंड सभी मिलकर हिंदी डे सेलिब्रेट करें। और अंतिम है कि हिंदी अपनी मदर टंग है यह नेशनल लैंग्वेज बने जी, हिंदी अपनी मदर टंग है यह नेशनल लैंग्वेज बने और ऑल वर्ल्ड की हर कंट्री में हिंदी का ही क्रेज बने जी। कि हिंदी के बारे में अपनी नॉलेज अप टू डेट करें, आओ फ्रेंड सभी मिलकर हिंदी डे सेलिब्रेट करें। क्या बात। लेकिन जी एक और रचना है जी। लेकिन एक रचना है जो वास्तव में हिंदी के महत्व को रेखांकित करती है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा जी। कि हिंद देश के वासी हम, हिंदी अपनी पहचान है और यही राष्ट्रभाषा भारत की उन्नति का सोपान है। हम अपनी भाषा में ही अगर काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो हमारी उन्नति ज्यादा आसानी से होती है जी। हिंदी है वैज्ञानिक भाषा, अन्य किसी से हीन नहीं और लेखन भाषण एक सरीखे, शब्द कोश भी दीन नहीं। कि लिखना पढ़ना और बोलना हिंदी में आसान है, यही राष्ट्रभाषा भारत की उन्नति का सोपान है जी। और देखिए कि हिंदी बिन वाणिज्य बैंक व्यवसाय का कोई अर्थ नहीं, हिंदी बिन वाणिज्य बैंक व्यवसाय का कोई अर्थ नहीं, संस्कृति और सभ्यता की उन्नति में देश समर्थ नहीं। कि हिंदी है भारत का गौरव, जन जन का अभिमान है, यही राष्ट्रभाषा भारत की उन्नति का सोपान है। तो हिंदी में जो लगे असंभव ऐसा कोई कार्य नहीं, हिंदी में जो लगे असंभव ऐसा कोई कार्य नहीं और हमें दासता किसी विदेशी भाषा की स्वीकारी नहीं। कि हिंदी की अब और उपेक्षा, हिंदी की अब और उपेक्षा संस्कृति का अपमान है, यही राष्ट्रभाषा भारत की उन्नति का सोपान है। तो हिंदी किसी से दीन नहीं है, हमें अगर हम खुद चाहेंगे तो होगा। ये सरल भाषा होनी, कई जगहों पे थोड़ा ट्रिपिकल भी हो जाती है। अब जैसे रेलगाड़ी, ट्रेन को रेलगाड़ी कह सकते हैं, हम लौ पथगामिनी कहेंगे तो इतना लंबा कौन कहेगा। जैसे बटन है, इसको अस्त व्यस्त व्यवस्थापिका लघु घंटिका, इतने बड़ी भाषा का। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं जी, समय समाप्त हो गया है साहब। व्यास जी, व्यास जी क्या कहना, हम हिंदी दिवस मना रहे हैं जी, इसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत समय हमारा समाप्त हो गया है, आपने बहुत लेट कहा, बहुत देर से कही बात है आपने, बहुत संक्षेप में कहना हो तो थोड़ा सा कह दीजिए। हिंदी में बंगला का वैभव है, गुजराती का संजीवन है, कन्नाड़ी की मधुरता है और संस्कृत का अजस्त्र स्रोत है जी। प्राकृत ने इसका श्रृंगार किया है जी। और उर्दू ने इसके हाथों में मेहंदी लगाई है जी। यह आर्यों के स्वर में गाती है और अनार्यों के ताल में नाचती है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चल
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सर, विकास जी आपका आप सुनने में मजा आता है जी, मजा तो आता है विकास जी, विकास जी जितेंद्र जी हमेशा जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं वो बाकी लोगों का समय खा जाते हैं। आज हमारे साथ हिंदी के दो धुरंधर लोग बैठे थे इसलिए आप लोगों का समय यही समाप्त होता है। अब हिंदी में कुछ जितेंद्र जी आप कुछ कहना चाहें, विकास जी आप कुछ कहना चाहें, संभव नहीं है, मेरा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, जितेंद्र जी आपका, और हमारे व्यास जी आपका, हरिंद आपका, और राम वल्लभ जी आपका, आचार्य जी हमारे साथ हिंदी के मुद्दे पे जुड़ने के लिए। तो हिंदी का हलवा खड़ा करके हिंदी को लोकप्रिय नहीं बनाया जा सकता। हिंदी को हिंदी अधिकारियों और हिंदी के शिक्षकों ने जितना लोकप्रिय नहीं किया है उससे अधिक लोकप्रिय फिल्मों और उसके गीतों ने किया है। आम प्रचलन ही हिंदी को विकसित करेगा। लोगों को हिंदी गलत बोलने दे, गलत लिखने दे, समय के साथ भाषा उन्हें भी आ जाएगी। लेकिन शुद्ध नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, भाषा का विस्तार तो हुआ, यह बहुत है। अंत में जाते जाते यही कहूंगा कि अंग्रेजी नहीं अंग्रेजियत के दौर में छिन रहा हिंदी का मान, मगर हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान, हिंदुस्तान के मस्तक बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। इसी साथ जनता आगे जवाब देता है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवाल साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।